मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने मुझे अपने ही बीच का माना है, छोटे बड़े बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते हैं, मैं उन्हें चूमता, गले लगाता, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा, अपनी जनता का हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे मन में कभी दुर्भावना नहीं रही, कर्तव्य के भाव से किए गए फैसले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। शिवराज ने कहा है कि आज मैं यहां से विदाई ले रहा हूं, मेरा मन आत्मसंतुष्ट से भरा हुआ है। केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजना लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना की बतौर सरकार बनी है, लाडली बहना जैसी योजनाओं की केस स्टडी होनी चाहिए कि 6 महीने के अंदर बनी और क्रियान्वित हो गई, यह प्रशासनिक दक्षता का उत्तम उदाहरण है। जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया, कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूँ प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इम्प्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने, प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूँ। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता। उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को, सब मित्रों को, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूँगा, और पार्टी का एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के मैं काम करता रहूँगा।